नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आपका टी पॉइंट एकेडमी पे। पीछे आप जो देख रहे हैं इनका चेहरा जरूर पहचानते होंगे। जी हाँ, ये और कोई नहीं, कौन है? उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला नहीं पता होगा तो बड़ी मुश्किल सी बात है। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की। अब आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों? तो मैंने इस वीडियो पे आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बताई थी कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी है वो दिल्ली की तरह यूनियन टेरेटरी है, ना कि चंडीगढ़ की तरह। चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन होते हैं, बट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है ना। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल बॉडी होगी। वहां की पुलिस जम्मू कश्मीर की नहीं होगी, तो सेना और पुलिस कंट्रोल करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे बॉर्डर पे है जहां पे ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद से, प्रोविजन के बाद से काफी सारी उथल पुथल और काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। उमर अब्दुल्ला ने, अब देखिए मैं पहले आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है वो 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को होंगे और 4 अक्टूबर को आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने इस एक वीडियो में बताया भी था कि आतंकी गतिविधि जम्मू में बढ़ने के कारण ये है कि ये आतंकियों की लास्ट चांस है कि जम्मू में होने वाले इलेक्शंस को रोक दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से बोला था कि आप जम्मू में जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं और सितंबर अक्टूबर तक का टाइम वहां चुनाव आयोग ने मांगा था। तो खैर, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये लोकल इलेक्शन होंगे। आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो लोकल बॉडी होगी उसके इलेक्शन होने वाले, तो पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो के 12 मैनिफेस्टो में से दो ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर विवाद गर्म हो रहा है। पहला, कि अगर इनकी सरकार बनी तो ये 370 हटाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसा उन्होंने कहा और जैसा मीडिया मैनिपुलेट करती है, तो मैं मीडिया नहीं हूं कि मैनिपुलेट करूं। उनके स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बोलेंगे कि हम कोशिश करेंगे। 370 को हटाने में बीजेपी को इतना साल लग गया, इतने बड़ी पावर होने के बाद, इतने कानूनी दांवपेंच लगाने के बाद, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बार इस फैसले को होल्ड पे रखा गया और फिर भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को रिव्यू किया गया। तो आप समझ सकते हैं, तो उमर अब्दुल्ला का कहना कि आने वाले देर मौके में अगर हालात बदलेंगे तो हम कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं बदल देंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी लोकल बॉडी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 370 हटा पाए। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता का जुड़ाव है उससे, तो इस तरह के पॉलिटिकल मुद्दे आने। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना। तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो तीन फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे। अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है। दूसरा, उन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान से बातचीत पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान से बातचीत पे कोई इरादा नहीं है। मतलब जैसे निकम्मे को दरकिनार कर दिया जाता है घर में, वैसे ही दरकिनार करके रखा है हमने पाकिस्तान को, कोई इज्जत नहीं दी है आज तक। इस पे मैं भी सपोर्ट करता हूँ, कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को पता है कि वहां पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हैं, तो उस हिसाब से भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। आप उनके स्टेटमेंट को सुन सकते हैं यहाँ पे। आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है, हमने कहा वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे, कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना, हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग। वी विल एनकरेज अ डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज। वॉट इज रॉन्ग विद दैट? वॉट इज रॉन्ग इन एनकरेजिंग अ डायलॉग? देखे ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है।
लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे, इसमें इसमें किसको एतराज हो सकता है। तो आपको आइडिया लग गया। इसके अलावा इनकी मैनिफेस्टो में 1,00,000 नौकरियां देने की वादा है, 1,212 LPG सिलेंडर फ्री में देने की वादे हैं गरीब परिवारों को, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे हैं। खैर ये चुनावी मुद्दे अलग हैं, ये तो दिल्ली से इंस्पायर होकर कई जगहों पे चल चुका है, लेकिन ये जो दो बातें थी इसको थोड़ा सा भड़काऊ माना जा रहा है। हालांकि 370 रुपये का कुछ चलेगा नहीं, अब ये कश्मीर की जनता बताएगी कि क्या उसको 370 अच्छा लग रहा है, हट रहा है। अगर जीत भी जाते हो उमर अब्दुल्ला तो एक लोकल बॉडी होके आप इतना काम नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट की ढंग की पावर नहीं है, और अब और ये मामला तो सेंट्रल का है, ठीक है, हालात को आप बिगाड़ सकते हैं। बाकी इन परिवारों ने जम्मू पे राज किया है और जम्मू की जनता को इतना धोखा दिया है कि इसके इतिहास बताता है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता इस पे क्या डिसाइड करती है। आपकी अपनी क्या राय है इस बात पे, आप जरूर मेंशन करें। इस बयान को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कश्मीर और जम्मू में क्या चल रहा होगा? वैसे मैं 4 अक्टूबर के रिजल्ट को लेकर जरूर एक्साइटेड रहूंगा, देखना चाहता हूं कि क्या जम्मू की कश्मीर की जनता ने इस बदलाव को एक्सेप्ट किया या अभी भी उसी माइंडसेट में है। जो विकास हो रहा है वहां पे, जो बदलाव आए हैं, जो राहत की सांसें आई हैं, बच्चों का स्कूल गया जाना शुरू हो गया, यूनिवर्सिटीज का हो गया, थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ा है, पथराव की समस्याएं जीरो हुई, हालांकि टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी है लेकिन ये तो बढ़ती रहती है। तो ये सारी चीजों पर क्या जम्मू कश्मीर की जनता का रिएक्शन रहता है आने वाले भविष्य में देखते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने ये वीडियो देखा है, आप भी थोड़ी इन बातों पे थोड़ी जागरूकता बनाए, अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाएं, मेरी इतनी ही कोशिश रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टीपॉइंट एकेडमी इफ यू लाइक सच कंटेंट। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।